देखा यहाँ पे देखे सुनारा का डांस चल रहा है। सुनारा ये क्या पहना हुआ है, कौन सा हार है ये? ये सोने का हार पहना हुआ है सुनारा ने। अभी मैंने सेव काट कर रखा है और सुनारा का डांस देख रही हूँ। और इसके साथ और यहाँ पे जी हमारी वेजिटेबल भी आ गई हैं। और आज हम बना रहे हैं आलू और टांगड़ी। तो सुनारा इतनी ज़्यादा ले ली हैं, बताओ कौन सा गाना था? क्या कौन सा गाना था? मुझे नहीं पता कौन सा गाना था। ये टांगड़ी इतनी ज़्यादा क्यों ले ली है? ये देखो मैंने थोड़ी सी तोड़ के तो मैं देनी थी, तुमने खुद ही इतनी ज़्यादा ले ली है। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो रोज़ की रूटीन के साथ ही अभी मैं बना रही हूँ खाना। तो सिलेंडर पर बना रही हूँ, सारी चीज़ें मैंने अपने पास रख ली हैं। और दोबारा ना बार बार उठना पड़ता है तो मुश्किल होती है थोड़ी सी, तो इस वजह से ना मैंने चीज़ों को अपने पास ही रख लिया। अभी मैं तो जी अभी मैं बना रही थी पेस्ट लहसुन अदरक का, तो मैंने कहा टमाटर भी इसके अंदर ही ना मैश कर देती हूँ। तो उसको मैं अंदर अंदर कर रही थी, तो यहाँ पे जी ये देखिए मेरे लग गया। इसको दबाओ तो खून थोड़ा सा निकलता है, तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रही है। तो आलू थोड़ा सा जो है ना टमाटर जल्दी से ना हांडी में ना मैश नहीं होते, तो मैंने कहा चलो ऐसे कर लेते हैं। तो उसको दबा रही थी कि नीचे चला जाएगा, तो पर मेरा हाथ भी उसने ज़ख्मी कर दिया। तो जी अभी प्याज फ्राई हो रहे हैं, सुनारा हमारी अंदर खेल रही है। तो यहाँ पर जी अभी एरन की फिर तबीयत ख़राब हो गई है और पेट में दर्द है। क्या खाया है सुबह आपने? जो रोटी थी वो, और कुछ नहीं, वैसे भी नहीं खाता। तो टीचर ने फोन किया था पापा को, कब से हो रही है? तो कब से हो रही? सुबह से? सुबह से हो रही थी। जब स्कूल गई हो तब से या थोड़ी देर बाद? थोड़ी देर बाद। ज्यादा हो रही थी? सुनारो एनन को पता नहीं क्या मसला, एनन के पेट का 10-15 मिनट बाद दिन बाद ना इसके ये पेट का मसला बन जाता है। वो जो अंचल है वो जो अंचल वो मैं बोल यहाँ पर लिप पे लग गया, होंठ पे लग गया, बुल पे लग गया। दिखाओ चोट लगी है ना? मांस भी लग गया। दर्द होती है? मांस से लग गया। अच्छा ना यहाँ देखे जी अपना घर बनाया हुआ था यहाँ पर। तू ये तो यहाँ पे जी अभी खेल रही थी बैठ कर, तो चूही आ गई तो ये भाग गई। खेली मैंने नहीं खेलना, वो कह रही थी सुनारा अकेले खेल रही है। तो यहाँ पे जी अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ, तो खाना हमारा बन गया। तो अभी कह रही है मुझे सेब काट के दो, तो मैंने कहा है पेट दर्द होता है सेब रहने दो, हैं सेब रहने दो, रोटी भी ना खाओ थोड़ा सा रेस्ट दे लो पेट को, जब भूख लगेगी ना थोड़ी सी रोटी खा लेना। अच्छा आज हमने बनाई है आलू टांगड़ी। तो यहाँ पर जी अभी शैनन टीवी की आवाज़ ठीक करने में लगी हुई है। शैनन पीछे से ना छेड़ो, तुम्हें शार्ट ना लग जाए और एलसीडी ना गिर जाए, ना करो। मिल तो गया है, कहाँ पर है? नहीं मिल गया है, वो ये मसला नहीं है, वो उसके जो जो स्पीकर है ना उसमें कोई मसला है। इधर आ जाओ, ज़्यादा ना ख़राब कर देना और कोई नुकसान ना कर देना। थोड़े से नुकसान को हम ठीक करते करते ज़्यादा नुकसान ना कर बैठे। तो शैनन यहाँ पर रोटी खा रही है बस, कह रही अभी मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो आवाज़ 100 तक है, हैं वो स्पीकर का ही मसला है, वो उतार यहाँ पीछे से उसको उतार लेते हैं ना। तुमने नहीं उतारनी, एलसीडी गिर जाएगी, वो थोड़ा सा एलसीडी को नीचे करना पड़ेगा फिर पीछे से उतरेगी, मुझे खुद डर लगता है, तो तुम भी ना करना। अच्छा
तो यहाँ पर जी सैना ने अभी खुद की किस्मत कर ली है। उसके बाद में यार क्या किया है? तो मेरे बाहर जाने की देर थी, मैं भी इसको मना करके गई थी कि तुम इसको एलसीडी को हाथ ना लगाना, तो इसने फिर भी ना मेरे, अभी बाहर गई हूँ मैं दूध देखने के लिए सैनन के लिए ठंडा करना है, तो इसने पीछे से कर दिया। तो चलो आप ना ज़्यादा ना छेड़ना, अच्छा अब आवाज़ आने लग गई है ना। जी तो गाइस अभी हो गई है शाम और शाम का टाइम हो गया जी, 6:45 हो गए हैं। तो अभी मैंने सारे घर की सफाई कर ली है, दोपहर का जो भी होता है बर्तन वगैरह धो लिए, अंदर भी सफाई कर ली है, और एनन ने कर लिया ट्यूशन से छुट्टी। एनन और ये देखिए छुट्टी करके यहाँ बैठ गई है। तो आप ये ठीक है? तो अब थोड़ा ठीक है, जब ट्यूशन का जाने का टाइम था ना तो तब इसका थोड़ा सा ख़राब हो गया था, सिर भी दर्द कर रहा था और इसके साथ इसका पेट भी दर्द कर रहा था।